दोस्तों परीक्षा पर चर्चा अभी 2023 का जो संस्करण आया है इसमें मोदी जी से एक सवाल पूछा गया। वो ये सवाल था कि जब परीक्षा में अंक कम आते हैं तो फैमिली सिचुएशन से कैसे मैं डील करना चाहिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि जब कभी आपको फेलियर्स मिलता है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर जब आप फेल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना है, जो आप आसपास में सराउंडिंग्स हैं। तो देखिए क्या यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या जवाब दिया है, वो आप एक बार जरूर सुनिएगा। सर माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ डू आई डील विद माय फैमिली सिचुएशन व्हेन माय रिजल्ट्स आर नॉट गुड। अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं तो वो चिंता का विषय है। पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है, चारों तरफ से जो सुना जाता है, उसी में अपना समय बर्बाद करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ बैट्समैन खेलने के लिए आते हैं और पूरा स्टेडियम, हजारों लोग होते हैं स्टेडियम में, वे चिल्लाना शुरू करते हैं, चौका 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 छक्का छक्का शिक्षक। क्या वो ऑडियंस की डिमांड के ऊपर चौके और छक्के लगाता है? क्या ऐसा करता है क्या कोई प्लेयर? चिल्लाते रहे, कितना ही चिल्लाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है जो आ रहा है, उस बॉलर के माइंड को स्टडी करने की कोशिश करता है और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न कि ऑडियंस चिल्लाता है, फोकस रहता है। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें,